कोविड-19 के थर्ड वेव तथा पोस्ट कोविड से निपटने के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजय पांडे ने कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित कोविड कंट्रोल रूम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पोस्ट कोविड तथा कोरोना के संभावित तीसरे वेव से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने प्रत्येक 5 किलोमीटर पर कोविड-19 की सुविधा के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क और सीएससी व पीएससी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोविड-19 से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा, पटना में, वाराणसी में और लखनऊ में और यहाँ गोरखपुर में भी दो साइट हमने कलेक्ट किए हैं। एक एम्स गोरखपुर है, एक गोरखनाथ मेडल मिशनरी है, उनके साथ ये केयर इंडिया का टाइप है, काफ़ी साल से वो करा रहे हैं। खासतौर पर रूरल जो हेल्थ केयर सेटअप है उसी का पूरा सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सारे चीज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप इंट्रोड्यूस कर, पर मैं सारे टीम को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हम लोग ये कोविड के आपात जो ये आपातकाल स्थिति शुरू हुई है कोविड में, तो इसके लिए काफ़ी जगह पे कोविड अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं। तो बिहार में पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में एक कोविड सेंटर शुरू किया गया, पटना में, लखनऊ में व्हाइट हाउस में शुरू किया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मंत्री जी आए, पर्पस यही है कि हम सब लोग एक पेज पे आके एक दूसरे को किस तरह से ऑगमेंट कर पाएँ, किस तरह से उन सभी रिक्त स्थानों को भर पाएँ जो आमतौर से हमारे देखिए, आप गोरखपुर में वैसे केसेस तो कम हो रही है, बट फिर भी थर्ड वेव का तैयारी के हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। खासतौर पे कोविड के बाद पोस्ट कोविड में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट हो रही है, वैसे ब्लैक फंगस है, उसका डायबिटिक है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ उसी का भी हम लोग सुविधा हर जगह क्रिएट कर रहे हैं। और केयर इंडिया करके एक संस्था है, वो हमें सहयोग कर रही है 400 बेड का L1, L2, L3 फैसिलिटी खड़ा करने के लिए। उसके अलावा यहाँ जो हर 5 किलोमीटर दूरी पे एक कोविड फैसिलिटी हम स्थापित करेंगे, हर ब्लॉक में हम लोग प्लान किए, ब्लॉक का सीएससी का हम लोग CSR फंड माध्यम से एक्शन प्लान लगा करके कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका कितने मैन पावर चाहिए, उसका आदमी कहाँ कहाँ लाएंगे और सारे सुविधा के बारे में चर्चा किए थे। उम्मीद है वैसे ही जो लॉकडाउन खुलेगा तब जनता का सारे सुविधा उपलब्ध रहेगा। इनकेस यदि ज़्यादा केसेस भी बढ़ेगी, थर्ड वेव भी आएगा, हम संभालने की स्थिति पर रहेंगे।